सो यारो कैसे आप लोग तो गाइज़ वापस आ चुका हूँ अपने एक्साइटिंग वीडियो लेकर। और गाइज आज की वीडियो में बताऊँगी कैसे आप अपने स्मार्टफोन से सेम एज इट इज़ रियाज की तरह फोटो एडिट कर सकते हो। सो गाइज आपको स्क्रीन में एक फोटो दिखी होगी रियाज की, जो काफ़ी यार कूल तरीके से एडिट हो रही है। और गाइज ये फोटो काफ़ी ट्रेंडिंग में चली है, और जो इस फोटो में आपको जो उसका बैकग्राउंड दिख रहा है ना, काफ़ी यार बेहतरीन बैकग्राउंड है, और जो बैकग्राउंड जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं बहुत ही कूल इफेक्ट्स हैं। और गाइज सेम एज इट इज़ फोटो आप अपनी बना सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन से बहुत ही कम समय। तो गाइज अगर आप अपनी फोटो को सेम एज इट इज़ बनाना चाहते हो रियाज की तरह, तो गाइज आपको करना क्या, सिंपली इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। सो या गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तो साइड में घंटी का आइकन दिखे उसको भी क्लिक कर लेना गाइज। तो गाइज अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे तो गाइज जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसकी जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और उसके बाद नीचे आपको एक कॉमेंट कर देना, यहाँ पे ऑसम नाइस या अपना खुद का नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज सिंपली आपको ऑसम या नाइस या कुछ भी कर सकते हो कॉमेंट, ठीक है, वीडियो को रिलेटिव आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो गाइज उसके बाद सिंपली आपको करना है यहाँ पे सिंपली इस एरो पे क्लिक करना, और नीचे के साइड आपको एक लिंक, दो लिंक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिंक मिलेगी वो मिलेगी रियाज बैकग्राउंड इमेज लिंक, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करनी है, ठीक है, रियाज वाली, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड जो इमेज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है, बस क्लिक करके आप उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। गाइज आपको दिखा दूँ कौन सी इमेज है, तो गाइज ये वाली इमेज आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है ये इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो गाइज ये लिंक पे क्लिक करने के बाद ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद सिंपली नीचे आपको एक ऐप देखो पिक आर्ट्स की, ठीक है, पिक्स आर्ट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इसके लिंक पे क्लिक करके पिक्स आर्ट की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, इमेज और पिक्स आर्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको जो है ना पिक्स आर्ट के अंदर, तो गाइज पिक्स आर्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ। सो गाइज यहाँ पर क्लिक करना आपको प्लस वाले आइकन पर, और प्लस वाले आइकन में क्लिक करोगे, और गाइज यहाँ से आपको उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जो हमने लिंक से डाउनलोड किया था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे वो बैकग्राउंड में ले लो यहाँ से। सो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं बैकग्राउंड वाली फोटो, ठीक है, जो हमने डाउनलोड करी थी लिंक से, वो फोटो आ चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी खुद की एक फोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं किसी फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मैंने मिस्टर फैजू की फोटो ऐड कर ली, ठीक है। मिस्टर फैजू ये भी टिकटॉक पे काफ़ी फेमस है यार, और इनकी फोटो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। और गाइज यहाँ पे आपको अपनी एक ऐसी फोटो यहाँ पे कैप्चर करनी है अपने फ़ोन से सेम रियाज की तरह, ठीक है। तो गाइज मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मिस्टर फैजू की फोटो ले ली, ठीक है। और सिंपली आपको यहाँ पे कटआउट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। सिंपली आपको इसे कंप्लीट ड्रॉ करना है फोटो को, और यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो गाइज मैंने इसको इतना कंप्लीट ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद एरो पे क्लिक करना गाइज। जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो गाइज इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, और फोटो एकदम रेड कलर की हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पे आपको कंप्लीट इस तरीके से ड्रॉ करनी है अपनी फोटो को, और सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, और उसके बाद सिंपली आपको इस फोटो को इस जो नीचे की साइड आपको जो इफेक्ट दिख रहा है इसके ऊपर लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे आप इस इफेक्ट्स के ऊपर इस फोटो को लेकर आओगे, और उसके बाद सिंपली नीचे ऊपर की साइड आपको एक इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस इरेजर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, और जो नीचे सूज दिख रहे हैं उसको हल्का हल्का से ऐसे इस पर सूज को यहाँ पे इरेज करना है। तो गाइज जिससे कि जो इफेक्ट्स लगी हमारी वो काफ़ी ऑसम लगी, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको सूज के ऊपर इसे ड्रॉ करना है। तो गाइज आप देख सकते हो फोटो कितनी यहाँ पर ज़बरदस्त दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फोटो को इस तरीके से करना है, ठीक है, यानी कि अपनी फोटो को इस तरह से कैप्चर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे सूज होंगे आपके, ठीक है, वो हल्के से आपको इरेज करना है, और ये जो नीचे इफेक्ट दिख रहा है इसमें आपको इसमें लग जाएगा, ठीक है, आपकी फ़ोटो। उसके बाद सिंपली आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन देगा यहाँ पे ओपेसिटी का, इसको थोड़ा हल्का कम करना है जिससे कि जो बैकग्राउंड हो ना वो हमारे फोटो से मैच हो जाए। तो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है साइड में, ठीक है। इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, फिल्टर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी यार ऑसम ऑसम इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें आपको, जिससे आपकी फ़ोटो और भी बेहतरीन दिखेगी। सो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट फोटो एडिटिंग रियाज की तरह की, ठीक है। तो गाइज इस तरह से रियाज की तरह एज इट इज़ फोटो आप बना सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन से एकदम कम समय में। तो गाइज आई होप को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली से इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहते, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।